अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड है। जी, तो आज की वीडियो फ्लफ़ी कैट फूड से रिलेटेड है, और जो कि मैंने रिसेंटली शुरू किया है। काफ़ी पोस्ट वगैरह मैंने पढ़ी थी इसकी, लेकिन ये चूँकि बजट के अंदर आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ट्राई करूँ। एक्सपायरी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, और ये एक इसका जो है वीक पॉइंट कह लें ये है। और दूसरा ये कि इसके अंदर अच्छी चीज़ ये बताई हुई है किस तरह से आपने कैट के फूड को डिवाइड करना है, जो कि बेसिकली सबसे अहम पोर्शन होता है जिसमें हम गलती करते हैं। कोई भी फूड लाते ही फौरन हम कैट को वही दे देते हैं, बाकी सारे फूड हटा देते हैं। तो इसमें पोर्शन बताया हुआ है किस तरह से आपने चेंज करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किडनी स्टोन्स के रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो पोस्ट मैंने पढ़ी है फेसबुक पर, उसमें ये बताया गया है कि इस कैट फूड के ज़रिए ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी रिजल्ट्स उस सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें देखें ओमेगा 3 दिया हुआ है, आई और फर से रिलेटेड जो विटामिन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग करते हैं वो दिए हुए हैं, और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट भी बताए हुए हैं। सो मैंने आज ही ये स्टार्ट किया है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं 2 दिन से दे रही थी, लेकिन आज प्रॉपर मेरी कैट ने खाना शुरू किया, क्योंकि ये ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी मेरी कैट्स खाना। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं जुज़ैरा दे रही थी, और जुज़ैरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, ग्रीसी होता है। और ये जो है इसकी फीट देखें, ये नॉर्मल सी होती है, ये ज़्यादा ग्रीसी नहीं होती। और ये स्पेशली पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो हमारा माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से बनाया गया है, गर्म क्लाइमेट के हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैंने इसको जार्स में कर लिया था ताकि एयर टाइट रहें, क्योंकि फिर अगर बैग ओपन हो जाता है तो फिर ये इसकी स्मेल हवा में चली जाती है, तो फिर कैट्स पसंद नहीं करती हैं। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कंटेनर्स में कर लिया था, और अभी मैंने कैट्स को देते हुए मुझे 2 दिन हुए हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, बट वो इतनी जल्दी नहीं होते, उसमें टाइम लगता है। मेरा मेल कैट जो शहरी है, उसको ऑलरेडी लंग्स का प्रॉब्लम हो गया था और सीवियर नमूनिया हो गया था, तो मैं उसको देते हुए थोड़ा सा परेशान हो रही थी। लेकिन मैं हमेशा इसको पानी के साथ देती हूँ, यानी पानी में डिजॉल्व करके थोड़े से ये नरम हो जाते हैं, तो फिर मैं देती हूँ। इससे फिर पानी का इशू नहीं रहता। बैग के अंदर इसके अंदर मैं ये बता दूं कि 1.2 kg का है, और ये मुझे 750 का पड़ा है, जो कि मेरे बजट में आ जाता है। और मैं सिर्फ 1 टाइम देती हूँ ये, मैं पूरे दिन नहीं देती। वो लोग जो अपनी कैट को पूरे दिन यही कैट फूड देते हैं, तो ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि ये गलत है, ये बिल्कुल मत दें, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपकी कैट के किडनी में स्टोन्स बनेंगे, यूरिन ब्लॉकेज होगा। तो ये चीज़ है, देने का तरीका आपका सही होना चाहिए, तो कभी भी नहीं होगा। कैट फूड डेली और रेगुलर नहीं दिया जाता, कभी कभी दिया जाता है, बहुत है तो दिन में एक बार, वरना फिर वीक में 3 टाइम्स दे दें। अच्छा, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे प्लेट में मैंने क्यों नहीं दिया है। प्लेट्स में मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इनको मैंने आपको बताया ना कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी, ये इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जिस तरह ये जुज़ैरा खाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा मैं हाथ में दे रही थी और फ्लोर पर रख दे रही थी, तो ये लोग खा रहे थे। प्लेट में मैंने दिया था तो वो ऐसे ही रह रहा था, यानी फिर वो स्मेल उड़ जाती है तो फिर शौक नहीं रहता इनको, तो इसलिए मैंने इस तरह से टेस्ट करवाया है। और जो मेरे बड़े कैट्स हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने इसी तरीके से दिया था, क्योंकि वो पानी के अंदर जब मैं डाल के दे रही थी तो वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि पानी में डालने से इनकी स्मेल जो होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने वो हाथ में दिया, जब मैंने हाथ में दिया तो सिंपली खिलाया मैंने, तो इस वजह से ये अच्छे से खा रही थी, शौक से खा रही थी। तो ये आपके सामने दिखें, अब इन्होंने खाना स्टार्ट किया है, और मैं सबको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे रही हूँ। और जो मेरे किटन्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा चेंज तरीके से दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से दिया है। मैं जार से निकाल कर थोड़ा थोड़ा इनको दे रही हूँ, और वो भी मैं सिंगल टाइम देती हूँ, और ये मैंने स्पेशली इसलिए रखा है कि जब मुझे कहीं जाना हो, कोई इवेंट हो, तो फिर मैं उस वक्त इनको दे दूँ, कि मैं बनाना ना पड़े, टाइम मेरा वेस्ट ना हो, मैं जल्दी से करके इनको खाना दे दूँ। तो मैं सिर्फ उस सिचुएशन में देती हूँ, या तो फिर बहुत ज़्यादा कभी ये इनका मूड ऑफ हुआ है, कोई ज़्यादा खाना नहीं, चिकन देती हूँ बॉयल, और साथ में मैं राइस देती हूँ, जो राइस का मिक्सचर होता है चिकन के साथ, वो देती हूँ। तो ये मैंने इसलिए भी दिया है कि थोड़ा सा ये होगा कि थोड़े से शौक से खा लेंगे, वरना तो मैं होम मेड ही देती हूँ। अच्छा, बड़ों को मैंने इस तरह से दिया है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है, चूँकि छोटे बच्चे इसके अंदर खा नहीं सकते, क्योंकि बैग के पर मेंशन है कि आप 3 to 4 months के किटन से स्टार्ट कर सकती हैं खाना देना, फीड देना, अदरवाइज़ आप छोटे किटन्स को ये नहीं दे सकते। लेकिन उस सिचुएशन में जब आपके पास किटन्स हो, और जाहिर सी बात है जब बच्चे होते हैं तो वो इनके साथ बहुत जल्दी स्मेल सूंघ के आ जाते हैं,
तो मैं ये बच्चों को भी देती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से इस फॉर्म में नहीं देती, सॉलिड फॉर्म में नहीं देती हूँ, मैं थोड़ा सा वाटर में डिज़ोल्व कर देती हूँ और इनके पोर्शन को डिवाइड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं देती हूँ। बड़ी कैट्स तो ईज़िली खा लेती हैं। अच्छा, एक बात का अंदाज़ा आप लाजमी रखिएगा कि वो कैट्स आपकी जिनको जो अनहेल्दी हैं, जिनको रिसेंटली कोई इश्यूज़ हुए हैं, तो उनको देते वक्त थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, उनको कम कम दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मेल कैट शहरी है उसको सीवियर नमूनिया हो गया था, तो उसको मैं बहुत कम देती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ इसी तरीके से सोख करके दूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ प्लेट ले लिए बाउल, और इसके अंदर मैंने फ़्रेश वाटर ऐड कर दिया है, और फ्रेश वाटर के अंदर मैं फीड ऐड करूँगी। तो इससे ये होगा कि ये जो फीड होती है इनको मैं डिवाइड कर देती हूँ, और ये आसानी से पानी के साथ इनटेक कर लेते हैं, इससे इनकी पानी की कमी भी नहीं होती है, और दूसरा ये कि फ़्लेवर जो होता है वो पानी के अंदर ऐड हो जाता है। फीड को मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, यानी 10 to 15 मिनट्स मैं छोड़ देती हूँ फीड को इसके अंदर डालकर। जब वो अच्छे से डिजोल्व सी होने लगती हैं, यानी वो कह लीजिए कि वो फूल जाएंगी, पानी के अंदर जाके वो अपना साइज़ थोड़ा सा बिग कर लेंगी, और इससे ये होगा कि जब कैट वो खाएगी तो वो पानी के साथ उसको खाएगी, तो उसके अंदर ड्राइनेस का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, उनके लिवर सॉरी किडनी जो होता है उसके इश्यूज बहुत कम होते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो देखें कैट फूड सारे ही डेंजर होते हैं, कोई कैट फूड ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का है, लोकल का है, लोकल फूड है, तो इसलिए इसको ना लें, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट है उसको हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की कंट्री प्रोडक्ट है। तो इस वजह से अगर देने का आपका तरीका ठीक होगा तो कभी भी आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी कैट को टोटली कैट फूड पर ही रख रही हैं तो डेफ़िनेटली कैट फूड पर रखने की वजह से आपकी कैट जो होगी उसको किडनी स्टोन होगा, यूरिन ब्लॉकेज होगा, और भी इश्यूज़ होते हैं, उनके फ़र नहीं बढ़ते हैं, फ़र गिरने लग जाते हैं। क्योंकि मैं जब जज़ैरा दे रही थी तो मैं 10,000 का बैग मंगवाया था, और वो बैग मैंने टोटली कोको शहरी, उसमें मेरे पास दो ही कैट्स थी तो मैं उनको टोटली वही देती थी, तो उससे उनकी हेल्थ बिल्कुल स्टक हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ देखें मैंने पानी के ना जो ऐड किया है इसको मैं ऐड करके छोड़ दूँगी। ऐड करके छोड़ने का रीज़न क्या है, ताकि ये सोख हो जाए, और साथ में मैं अच्छे से इनको मैश कर लूँगी हाथ से, मैं इनका सारा सूप जो है वो पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लूँगी, कि यानी ये कह लें कि सौती से हो जाएंगे, इनका जो पानी होगा, जो टेक्सचर होगा वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये देखें इस तरह से। और इस तरह से करने से क्या होगा कि इनका फ्लेवर पानी के अंदर आ जाएगा, कैट शौक से पानी भी पिएगी और साथ में खाएगी भी। देखें दूसरी फीड जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई हैं, अभी थोड़ी थोड़ी सी ये रहती हैं, ये पूरी सोख नहीं हुई हैं, अब इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब इनको थोड़ा और मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी प्लेट के अंदर। देखें आपके सामने कैट्स जो मेरी कैट है वो पी रही है इसको, इसी तरीके से सारी कैट्स मेरी पानी पियेंगी और इसको साथ में खा भी लेंगी। जब पानी कम हो जाएगा, फ्लेवर वाटर होगा वो, जब फ्लेवर वाटर ख़त्म हो जाएगा तो वो फीड के जो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो भी खा जाएंगी, ये इतनी शौक से खाएंगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा सा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपने टोटली अपनी कैट को कैट फूड पे स्विच नहीं करना है, आपने इस तरह से देना है। और ये आप छोटे किटन्स को भी दे सकती हैं, मेरे छोटे छोटे से किटन्स हैं जो कि 2 मंथ्स के होने वाले हैं, तो मैं उनको भी ये देती हूँ, वो पानी पीते हैं और साथ में फिर ये सोख हुए हुए जो फीड के दाने होते हैं ये वो खा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, असल में जो छोटे किटन्स होते हैं उनको टीथ इशू भी हो जाता है, क्योंकि वो ज़ोर से बाइट करते हैं ना तो टीथ इशू हो जाता है। तो इससे ये होगा कि वो इससे सेफ रहेंगे। और ये है कि अगर आप 5 टाइम्स इनको फूड दे रहे हैं तो 1 टाइम आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके बजट के अंदर है, क्योंकि फ्लफ़ी भी अब काफ़ी महंगा हो गया है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ये 400 का था और अब ये 750 का हो गया है, लेकिन मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया और मुझे देते हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में तो कैट्स को पसंद नहीं आया था, लेकिन अब खा रही हैं। लेकिन छोटा किटन भी मेरा साथ बैठा हुआ है, इसको मैंने अभी बात दे के बिठाया, तो ये इसी तरीके से अभी बैठा हुआ, अभी स्टार्ट करेगा ये खाना, जब सब जमा हो जाएंगे तो फिर ये सब खाना शुरू कर देंगे। साथ में फ़्रेश वाटर बाउल लाजमी रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप फीड दें या नॉर्मल वाटर दें, कैट्स के ज़्यादातर इश्यूज जो होते हैं वो फ्रेश वाटर पास ना होने की वजह से होते हैं, या आप गंदा पानी दे देते हैं या खारा पानी दे देते हैं। तो कोशिश करें कि पूरे दिन में आप अपनी कैट के 2 टाइम्स बाउल चेंज करें, वॉश करें बाउल को, और मीठा पानी फ्रेश वाटर वो रखें, फ़िल्टर वाटर रखें, अच्छी बात है। इससे ये होता है कि इनको प्रॉब्लम्स नहीं होते, इश्यूज़ नहीं होते हैं। मैं साइड पर अपना बाउल रखती हूँ। अब देखें मेरी दूसरी कैट भी ये खा रही है, इसको साथ में पी भी रही है और खा भी रही है।
अब किटन्स भी मेरा स्टार्ट कर रहा था ना, क्योंकि ये मैंने स्पेशली किटन्स के लिए रखा है कि जब भी मैं इनको बाउल वगैरह के अंदर मैं फीड डालती हूँ तो ये लोग अक्सर आ जाते हैं, बड़ी कैट्स के साथ खाने लगते हैं। लेकिन मैं इनको हटा देती हूँ और मैं इस तरह से सोक करके देती हूँ, और सोक करके देने से ये फ़ायदा होता है कि ये इनके पेट वगैरह में दर्द नहीं करते, क्योंकि छोटे बच्चों के पेट में फीड खाते ही दर्द शुरू हो जाता है, वो अजीब तरीके से अपने आप को ना बिल्कुल लोफ बना कर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देंगे तो आप देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह आपकी जो किटन्स होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी। बट वन टाइम देना है आपने, ज़्यादा नहीं देना, कोशिश करें आप दिन स्किप करके दें, डेली ना दें। इससे ये होगा कि आपकी किटन्स वगैरह की जो हेल्थ वगैरह है वो अच्छी हो जाएगी। साथ में चिकन भी दें, क्योंकि मैं सिर्फ यही फूड नहीं देती। अगर आप लोग ये समझें कि सिर्फ यही फूड देना है या कैट फूड देना है, तो इससे कभी भी आपकी कैट की हेल्थ नहीं बढ़ेगी, मज़ीद लो हो जाएगी। कैट फूड चाहे बाहर की कंपनी का हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो, लेकिन आपको उसको रेगुलर नहीं देना। हर कैट फूड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो फीड्स होती हैं, जो रेडीमेड मिलती हैं, वह बैग के अंदर मिलती हैं, वो अनहाइजेनिक होती हैं, उससे कभी भी कैट्स की हेल्थ नहीं बढ़ती है। बट अगर आप उसको मैनेज रखते हैं, यानी 3 टाइम्स आप होममेड दे रहे हैं और 1 टाइम आप कैट फूड दे रहे हैं, तो इट्स ओके, आप दे सकते हैं। पानी में भिगो कर दें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इससे ये है कि किडनी स्टोन्स नहीं होते, पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ये ब्लॉकेज वगैरह इसीलिए करती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरे छोटे छोटे से किटन्स हैं, मैं उनको भी दे रही हूँ, बड़ी कैट्स को भी दे रही हूँ, शौक से खाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी कैट्स को फीड दें तो इसी तरीके से दें, कम मकदार में दें, कम जितना हो सके उतना दें। और इस चीज़ से मैटर नहीं करता है कि वो बाहर की फीड है या आपकी पाकिस्तान की फीड है तो वो ख़राब होगी, लोकल होगी, बाहर की फीड है तो अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप कैट फूड बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आप वही देते जा रहे हैं, साथ में और कोई पोषण नहीं दे रहे हैं, चिकन्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी कैट को इश्यूज़ होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने स्पेशली यही कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी वीडियोज़ को, क्योंकि ये मेरा सेकेंड कैट फूड था। क्योंकि 1 टाइम मैंने रिफ्लेक्स वो किया था अपनी कैट को, दिया था बड़ी कैट को, तो वो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं किया था। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ कैट फूड ऐसे होते हैं जो सूट नहीं करते हैं, और कुछ इसलिए भी नहीं करते हैं कि हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, यानी जो हमारी पुरानी जो कैट्स के खाने की रूटीन होती है हम उसको बिल्कुल हटा के न्यू कैट फूड रख देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। कभी भी कोई कैट फूड लेकर आएँ या कोई भी होममेड फूड लेकर आएँ, तो पुराने फूड जो है उसका 3 पार्ट 4 पार्ट साथ रखें, वो उसको दें, बट 1 पार्ट आप न्यू पोर्शन दें। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो फिर जो नया फूड है वो 2 टाइम्स रखेंगे, और जो पुराना फूड है वो आप 2 टाइम्स कर देंगे, अगर आप 3 टाइम्स देते थे तो। इसी तरीके से ऐसा ऐसा स्किप करके आपने नया देना है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी कैट को पुराना और नया दोनों फूड साथ दें। कोशिश करें कोई एक फूड के ऊपर उसको आप ट्रेन ना करें, क्योंकि ये उसके लिए अनहेल्दी हो सकता है, ये उसके फर को डैमेज कर सकता है, उसके लिवर को डैमेज कर सकता है, उसके किडनीज़ को डैमेज कर सकता है, और मज़ीद ये है कि देखें वो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी जो है वो ख़राब कर सकता है। क्योंकि मेरी काफ़ी कैट्स के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कैट फूड का, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ जज़रा रखा है अब तक, और अब जाके मैं काफ़ी अरसे बाद फ्लफ़ी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में से बिल्कुल हटा दिया था फ्लफ़ी कैट फूड, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया था। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है फ्लफ़ी कैट फूड, लेकिन मैंने उसको टोटली अपनी कैट्स को उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया। मैं होममेड फूड भी देती हूँ, और होममेड फूड के साथ मैं फिर इसको फ्लफ़ी कैट फूड 1 दिन दे देती हूँ, 2 दिन स्किप करके, या जब जब कभी मुझे जाना होता है तब मैं दे देती हूँ, या किटन्स जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं उनको 3 टाइम्स चिकन देती हूँ, 1 टाइम मैं बॉयल राइस वाला मिक्सचर देती हूँ, रात में 1 बार फिर मैं बॉयल वाला मिक्सचर दे देती हूँ, और फिर मैं दिन में 1 बार फीड दे देती हूँ। तो इससे ही आसानी हो जाती है कि आपके जो किटन्स होते हैं उनको एनर्जी एटलीस्ट मिल जाती है, या पेट भरने के लिए दे सकते हैं, बट आप ऐसी कैट्स को नहीं दे सकते जो कि प्रेगनेंट हो, ये बात याद रखिएगा, 1 टाइम दें बस। अच्छा, अब मैं आपको फूड दिखा दूँ जो कि होममेड है। ये देखें राइस का है, और इसके अंदर मैंने बीफ चिकन माइस भी डाला था, और मैंने साथ में चिकन भी ऐड किया था, और ये मैं देती हूँ 3 टाइम, और ज़्यादातर फिर इसके अलावा मैं दे देती हूँ बॉयल चिकन, उसको मैं मैश कर देती हूँ, ब्लेंड कर देती हूँ कभी कभी, और यखनी के साथ दे देती हूँ, और 1 टाइम मैं कैट फूड देती हूँ। तो कोशिश करें कि आप भी इसी तरीके से रखें।
अपनी चिकन माइस वगैरह के मिक्सचर को इस तरह से बना लें और इसको गर्म कर लें। थोड़ा सा पानी डाल के आपको जिस गर्म करना होता है, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा पुराना जो हमारा मिक्सचर होता है वो भी हम नहीं रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पुराने रखेंगे तो आपकी आईज जो कैटी आईज होंगी वो इन्फेक्ट हो जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा उनको, और ये इश्यूज जो होंगे ये मज़ीद बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन स्टोर करने से, खाना स्टोर करने से होता है। तो अगर आपको कभी स्टोर भी करना है तो आप 5 to 6 days का करें, इसके अलावा नहीं करें। तो मैं ज़्यादातर 3 to 4 days का करती हूँ। ये मैंने अभी बहुत कम मिक्सचर बनाया है क्योंकि मुझे स्पेशली आप लोगों को दिखाना था, तो मैंने थोड़ा सा पानी एंड फ्रेश वाटर ऐड किया है और इसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर मैं अच्छे से मिक्स करके छोड़ दूँगी। जब ये सोक कर लेगा तो अच्छे से इसको तैयार करके फिर मैं प्लेट्स में सर्व कर दूंगी इनके साथ में। ना मैंने इसके ना कैरेट भी ऐड किया है और पोटैटोज़ भी ऐड किए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप ये मिक्सचर अगर बनाएं तो उसके ना चिकन का इन सब पोर्शन से ज़्यादा पोर्शन होता है, यानी चिकन जो होती है वो राइस, पोटैटो, कैरेट के मुकाबले में इन तीनों को अगर आप हम वज़न करें तो इनके वज़न से ज़्यादा वज़न जो होगा, पोर्शन जो होना चाहिए वो चिकन का होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने भी किया, क्योंकि कुछ अर्से पहले मैंने अपने किचन सेल किए थे, जिनको सेल किए जब वो घर गए तो उन बच्चों के पास में उन्होंने वीडियो भेजी कि ये खाना नहीं खा रहे हैं। तो जब उन्होंने मैंने उनसे खाना पूछा तो मैंने खाना देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो ब्लाइंड भी नहीं थे, उनका ना चिकन भी नहीं था। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे फिर मज़ीद सीवियर इश्यूज़ हो जाते हैं कैट्स को, उनके साथ जो स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ये ना करें कि आप चिकन बहुत कम रखें और राइस वगैरह ज़्यादा करें बजट को मिनिमाइज़ करने के लिए। ऐसा नहीं करें, ये आपके लिए मज़ीद मसला करेंगे, बीमार होंगे तो समझें तो भी आपकी फीसेस जानी ही है। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।